जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए, आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के युगल चरणारविंदों में प्रणाम, निज गुरुदेव श्री आचार्य चरणों के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। इस जयकार की ध्वनि हमारे आचार्य श्री के चरणारविंदों में अवश्य पहुंचनी चाहिए। स्वास्थ्य की अस्वस्थता के कारण हमें दर्शन नहीं दे पाए यहाँ पर पधार कर, उन्हें पता चलना चाहिए कि मूंगी के सभी भक्तजन उनकी प्रतीक्षा में 3 दिवस तक कितनी प्रतीक्षा की है। बोलिए निम्बार्क भगवान की जय, गुरु श्री श्री जी महाराज। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप ये जो भगवत भक्ति है ना, जिसका उपदेश कल प्रह्लाद जी महाराज कर रहे थे, जिस भक्ति का उदाहरण है ये सभी भक्त वृंद, क्या है वो भक्ति? तीन दिवस से भक्ति भक्ति श्रवण कर रहे हैं, परंतु वस्तुतः भक्ति क्या है? अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप अनिर्वचनीय है वो भक्ति। उस भक्ति का विवेचन, उस भक्ति की व्याख्या, उसका वर्णन वाणी और शब्दों के द्वारा तो किया ही नहीं जा सकता। वो तो जिसे हो जाती है, जो इस प्रवाह में बह चलता है, ये वही जानता है। प्रेम स्वरूप जो मैं इतना जानती, प्रेम न करियो को। किसने कहा? मीराबाई ने कहा। ये भक्ति का मार्ग बड़ा ही दुष्कर है। इस मार्ग पर जो चल पड़ता है और इस यात्रा में जो भी आनंद की अनुभूति होती है, वो वह यात्री ही समझ सकता है। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल। गोपियों ने क्या कहा जब उद्धव जी महाराज भगवान का संदेश लेकर पहुंचे? उधो माने ना माने ना या ना माने,
जाके कांटो लगे वो ही जाए। जिसने भगवान से प्रेम किया हो, जिसका संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति में लीन हो गया हो, वही समझ सकता है कि भगवान की भक्ति क्या है। हम आप सभी यूं बैठकर भक्ति की कितनी ही चर्चा कर लें, भगवान की भक्ति को केवल वह भगवत भक्त ही समझ सकता है जिसने भगवान की उस पराभक्ति को प्राप्त कर लिया हो। और वो सहज नहीं है, सुलभ नहीं है, बहुत दुष्कर है। भगवान स्वयं देते ही नहीं है भक्ति किसी को। कोई यदि भगवान से मांगना चाहे तो भगवान कहते हैं वर मांगो, बस भक्ति मत मांगो। मैंने इसे यदि भक्ति दी, अहम भक्त पराधीनो, मुझे इसके पराधीन होना पड़ेगा। योग क्षेम वहां में हम, मुझे इसके जीवन की संपूर्ण व्यवस्था करनी पड़ेगी। भगवान जब भी कोई उनसे कुछ मांगता है, परंतु भक्ति देने में विलंब करते हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्त हो जाते हैं भगवान को बहुत चिंता होती है। महाभारत के युद्ध का प्रसंग है, भगवान अपने शिविर में प्रातः काल के समय महाराज युधिष्ठिर जी का मन हुआ कि भगवान के दर्शन करके आते हैं कुछ कार्य विशेष से, भगवान के शिविर में पहुंचे। युधिष्ठिर जी ने एक विचित्र दृश्य देखा भगवान के शिविर में। क्या देखा? भगवान स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अब ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? युधिष्ठिर जी खड़े रहे कुछ समय तक। भगवान जब अपने ध्यान को पूर्ण करके नेत्र खोलते हैं, युधिष्ठिर जी को सन्मुख देखकर प्रणाम कर पूछते हैं कि भ्राता श्री कैसे आना हुआ? कहा भगवान मेरा कार्य तो नगण्य हो गया, वो तो गौण हो गया। मेरे मन संपूर्ण चराचर जगत संपूर्ण सृष्टि यावन निखिल जगत सब आपका ध्यान करते हैं, सब आपका चिंतन करते हैं, आपको भजते हैं। पर इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी निखिल जगत विन्नोपादान कारण जगत पिता स्वयं जगदीश्वर वो ध्यान करें किसी का, बात हजम नहीं हुई भगवान। इसका समाधान कीजिए आप तो पहले। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी जो संपूर्ण सृष्टि मेरा स्मरण करती है, चिंतन करती है, वो किसी ना किसी कामना विशेष से है। इनकी आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, भय के कारण कोई मुझसे प्रीत करता है, परंतु जो निष्काम मेरे भक्त हैं, जिनका मेरी भक्ति के
अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं, उन भगवत भक्तों का मैं ध्यान करता हूँ, मैं स्मरण करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ। आप सभी भी यदि भगवान की स्मृति में सदैव रहना चाहते हैं तो भगवान की उस पराभक्ति अनिर्वचनीय उस भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। दुष्कर है, कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। कभी कभी जब हमें भक्ति प्राप्त हो जाती है ना, क्योंकि वो तो अनिर्वचनीय है, उसका विवेचन तो किया नहीं जा सकता, तो हमारे हृदय में मान हो जाता है कई बार। भगवत भक्ति का भी एक मान होता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। गोपियों को हुआ, हम श्रेष्ठ हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए उन गोपियों के मान का मर्दन करने के लिए। यही शंका एक दिन अर्जुन के मन में हुई कि मैं ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त हूं। भगवान से पूछने लगे एक दिन अर्जुन कि भगवान आप तो ये बताइए, एक निवेदन है आपसे, मैं ये जानना चाहता हूं भगवान कि संपूर्ण सृष्टि में सर्वत्र आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। मतलब अर्जुन की अपेक्षा थी कि भगवान संभवतया मेरा ही नाम लेंगे। भगवान के मुखारविंद से श्रवण करके दृढ़ करना चाहते हैं अर्जुन कि मैं ही भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ध्यान से सुनिएगा, मराठी में कैसे बोलते, ध्यान चा सुनियो है, काको चा बोलते ना, पीण्याचा पाणी। मराठी बड़ी अच्छी भाषा है और सबसे अधिक विशेषता इसकी ये है, इसमें अधिकांश शब्द संस्कृत निष्ठ हैं। जब मराठी को श्रवण करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई संस्कृत बोल रहा है। इसीलिए मराठी अभी तक अपनी संस्कृति से अधिक जुड़े हुए हैं। अभी भी भगवत भक्ति संस्कार संस्कृति यहां पर प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। तो कहा भगवान मैं जानना चाहता हूं कि आपका श्रेष्ठ भक्त कौन है। अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान मेरा ही नाम लेंगे। पर होना भी चाहिए, अर्जुन के जितना सानिध्य निकटता मित्रता किसी को नहीं मिली तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक मान हुआ। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम यही जानना चाहते हो इस संसार में मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। बोले हाँ भगवान, बस मेरा नाम ले दो आप तो।
बोले मेरा इस संसार में सर्वश्रेष्ठ एक भक्त है, एक वृद्ध माता है जो जंगल में एक नदी के तट पर निवास करती है। इतना सुनते ही साफ पानी फिर गया। अर्जुन का आधा मान तो वही मर्दन हो गया। बोले हैं कहां तो मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि भगवान मेरे लिए ये संबोधन करेंगे, भगवान ने किस वृद्ध माता के विषय में बता दिया। पर अब एक जिज्ञासा भी होगी कि अब तो जानना पड़ेगा वो कौन माता है जिसे भगवान इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ भक्त बताता है। कहा भगवान मुझे मिलाई, दर्शन कराइए उस माता के। भगवान ने कहा अरे रहने दो, क्या करना है, तुम भी कोई कम नहीं हो, दूसरा नंबर तुम्हारा, चलो कह दिया। बोले नहीं, ये प्रथम कौन है ये बताओ आप। भगवान ने समझाया जानने की क्या आवश्यकता है, रहने दो। बोले नहीं भगवान, जानना है मुझे, लेकर चलो उसके पास। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी इच्छा ही है, जानना ही चाहते हो तो चलो। भगवान अर्जुन को लेकर जहां पर वो माता निवास करती थी जाने लगे। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, अब हम यदि इस वेश में जाएंगे तो वो पहचान जाएगी, और तुम ये जानना ही चाहते हो कि वो मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों है, तो वेश को परिवर्तन करो। तो भगवान ने और अर्जुन ने अपना रूप परिवर्तन कर लिया और दोनों पहुंचे उस वृद्ध माता के निकल। एक कुटिया में माता निवास करती, अर्जुन ने देखा कि उस कुटिया से बड़ी जोर जोर से ध्वनि आ रही है, बड़ी जोर जोर से। इतना हल्ला कैसे है? आप सभी विचार कर रहे होंगे कि वो माता कीर्तन कर रही होगी, है ना, यही सोचा ना? नहीं, वो कीर्तन नहीं कर रही, वो बड़े जोर जोर से उच्च स्वर में अपशब्द बोल रही थी, गालियां दे रही थी बड़े जोर जोर से। अर्जुन ने कहा भगवान आप तो कह रहे मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, और इसके मुंह से तो देखो कैसी अमृतवाणी निकल रही। कहा भाई मैं आगे कुछ नहीं जा सकता, मैं तो यहां वृक्ष के पीछे छिप जाता हूँ, तुम जाओ अपनी शंका का समाधान करके आओ, ऐसा क्यों है, तुम्हें जानना है ना कि ये माता मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों है। अर्जुन उस कुटिया में प्रवेश करते हैं, देखते हैं तो वृद्ध माता ऐसे बड़े जोर जोर से, माताएं जब अपशब्द बोलती हैं तो सुनने जैसा होता है। खैर आप सभी को तो आदत है सुनने की। अब यहां पर स्वीकार मत करो तो क्या है, अर्जुन ने माता से निवेदन किया कि माता प्रणाम, या इतने जोर जोर से अपशब्द कह रही हैं, गालियां दे रही, किसको दे रहे, ऐसा क्यों कर रहे, क्या निमित्त है, क्या कारण है, और ये आपके सामने तीन वस्तुएं रखी हैं, क्या उपयोग है, क्यों रखी है। तो वृद्ध माता के सन्मुख तीन वस्तुएं थी, एक तो रस्सी रखी हुई थी, एक खड़ग था, और एक विशाल मूसल होता बड़ा भारी डंडा वो रखा हुआ था।
बोले ये सामने इनको रख के जोर जोर से आप अब शब्द कह रहे हो, क्या इसका क्या औचित्य, क्या निमित्त है? मैं तो कुछ और समझ के आया था, कुछ जानना चाहता था, आपने क्या? बोले मत पूछो, पूछो मत। नहीं बोले जानना तो है, भगवान ने मेरा दूसरा नंबर कर दिया और आप कह रहे हो पूछो मत, मुझे ये तो जानना ही है, ऐसा क्यों? तो कहा अच्छा बेटा सुनना ही चाहते हो तो सुनो, ये जो रस्सी रखी है ना ये किसके लिए है? अरे वो यशोदा मैया थी ना, ये उसके लिए रस्सी रखी, बस वो मिल जाए एक बार कहीं पर, इस रस्सी से बांध के और जो पूजा करूंगी। बोले ऐसा क्यों? अरे मेरे प्यारे श्याम सुंदर को बांध दिया, छोटे से बालक को, ऐसा कोई होता है भला? बोले और ये जो खड़ग रखा है इसका? बोले ये वो विदुरानी नहीं थी? वो मिल जाए मुझे बस एक बार। कैसी मूर्ख वो है, फल तो फेंक दिए और भगवान को छिलके खिला दिए, मिल जाने दो। अर्जुन ने कहा बड़ी विचित्र है, इस खड़ग से समाप्त कर दूंगी उस विदुरानी को। बोले अच्छा माता ठीक है, दो का तो समझ में आया, ये जो इतना बड़ा विशाल डंडा है, मूसल है, ये किस लिए रखा? बोले ये उसके लिए है जो भगवान को अपना सारथी बना के घुमाता है ना, ये उस दुष्ट अर्जुन के लिए है जिसने मेरे भगवान से अपना रथ चलवाया। इतना सुनते ही अर्जुन तो ऐसे भगे साहब, बोले भगवान जल्दी चलो यहाँ से, मेरा नाम मत ले देना कि मैं अर्जुन हूं, बता मत देना भगवान। अरे रुको अर्जुन, देख तो लो, मैंने पहले ही कहा ये होती है भगवत भक्ति। अर्जुन समझ गए भगवान की लीला है। निज जन स्वयं ध्वंसनस्मिता, भगवान को अपने भगवत भक्तों के हृदय में मान हो जाए तनिक भी प्रिय नहीं। भगवान ने ऐसी लीला रची, अर्जुन को भान हो गया कि वस्तुतः भगवत भक्ति तो अनंत है, कोई ये समझे कि मैं भगवान का श्रेष्ठ भक्त, कहां किस कोने में किसकी भक्ति किस उच्चता को प्राप्त कर रही है, हम सभी को क्या पता, ये तो केवल भगवान स्वयं जानते हैं कि वस्तुतः मेरा भक्त कौन है। भक्ति का दंभ मत करना कभी। ये भक्ति का ही प्रभाव है जो प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपा। इस भक्ति का विवेचन इसको तो वही समझ सकता है जिसने इसमें अवगाहन किया हो, जिसने उस भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास किया हो, वही समझ सकता है। जब प्रहलाद ने भगवान की भक्ति का उपदेश किया हिरण्यकश्यपु को, बड़ा रुष्ट हुआ हिरण्यकश्यपु, क्रोध आया, जिस पुत्र को अपने पर्यंक अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से पूछ रहा था कि तूने क्या शिक्षा ली, उस बालक को अंधीकृतात्मा सोत संगा निरस्य महीतले, अपने ही पुत्र को एक क्षण में अपनी गोद से उठाकर धरातल पर पटक दिया। अरे दुष्ट, तो उस मेरे शत्रु की प्रशंसा करता है। अरे
अरे तुझे लज्जा आनी चाहिए जिसने तेरे चाचा का वध कर दिया, तो उसी के गुणगान कर रहा है। क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, आदेश दे दिया समाप्त कर दो इसको। आसीनम चाहनम सूलय प्रह्लादम सर्वमर्मसु, अपने सैनिकों को आदेश दिया सूलों से खड़ग से इसको समाप्त कर दो। जो ही सैनिक दौड़े प्रह्लाद जी महाराज की ओर, तलवार भाले क्या क्या नहीं लेकर, प्रह्लाद जी महाराज भगवान का ध्यान करके बैठ गए, क्योंकि उसको विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा कभी अहित हो ही नहीं सकता। दृढ़ निश्चय है प्रह्लाद जी महाराज को, बोले क्या कर सकते हैं ये सब, क्या आघात श्रद्धा, क्या दृढ़ विश्वास है उस बालक का, तनिक भय नहीं हुआ प्रह्लाद जी महाराज। सैनिकों ने अनेक प्रयास किए प्रह्लाद जी महाराज को समाप्त करने का, तनिक भी स्पर्श तक नहीं करा पाए किसी भी शस्त्र का प्रह्लाद जी के शरीर में, क्योंकि प्रह्लाद जी महाराज को भगवान पर, उनकी भक्ति पर, उनकी शक्ति पर, उनकी कृपा पर पूर्ण विश्वास है। जिसको तेरा जिन भक्तों को भगवान पर विश्वास होता है, जो भगवान को स्वयं के निकट समझते हैं, जिन्हें ये भान होता है कि भगवान मेरे से निकट यहीं कहीं पर विद्यमान है, वो कभी भयभीत नहीं हो सकते। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, 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 जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, तू ही बने किनारा, मझधार क्या करेगा, तू ही बने किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भक्तों की नाम चलती, तू
भक्ति सन्मुख हुआ तू हर सन्मुख हुआ तू हर जब भी तुझे पुकारा सन्मुख हुआ तू हर तुझे पुकारा जिसको तेरा भरोसा जिसको तेरा सहारा जिसको तेरा सहारा हीरा रे हमारा विश्वास हमारा भरोसा कब दृढ़ होता है जब हमें हमारे आराध्य पर पूर्ण विश्वास होता है और पूर्ण विश्वास केवल भगवान में हो सकता है बंधु क्योंकि वही है जो कुछ भी कर सकते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम एकमात्र भगवान है और किसी से अपेक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं और वो समर्थ भी नहीं सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान सर्वांतरात्मा केवल भगवान है केवल उन्हीं से आप अपेक्षा रखिए देखिए फिर क्या होता है होठों पे नाम तेरा मन में उमंग प्रहलाद जी महाराज का क्या जीवन है केवल भगवान के नाम का चिंतन उनके होठों पर उनकी वाणी में केवल भगवान का नाम है इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो फिर भय किस बात का होठों पे नाम तेरा मन में उमंग तेरी भक्तों का यही हाल होता है जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवत भक्ति में इतने लीन होते हैं उन्हें पता नहीं संसार में क्या हो रहा है अलमस्त सारा हूं मैं छाई तरंग तेरी पर जब भगवत भक्ति का दीप हमारे हृदय में प्रज्वलित हो जाता है फिर देखिए मिट जाए तम ये सारा मिट जाए तम ये सारा पाकर तेरा उजारा मिट जाए तम ये सारा पाकर तेरा मझदार क्या करे मझदार क्या करे तू ही बने किनारा मझदार क्या करे तू ही बने किनारा प्रहलाद जी महाराज को पूर्ण विश्वास है कि मेरा पिता और मेरे पिता के जितने भी सैनिक हैं मेरा अहित कर ही नहीं सकते यदि उनको तनिक भी भय होता तो क्या वो
स्वयं को भगवान को समर्पित करते, उन्हें पूर्ण विश्वास है। प्रभु हाथ जिसका कभी छूटने ना देते, प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी छूटने ना देते, अपने गले लगाकर सब कष्ट दूर करते, अपने गले लगाकर सब कष्ट दूर करते। देखो दयालु हो, देखो दयालु हो, भक्तों का ये रखवाला, देखो दयालु हो, भक्तों का ये रखवाला, जिसको तेरा भरोसा भरोसा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, तू ही बने किनारा, मझधार क्या करेगा, तू ही बने किनारा। जिसको भी भगवान की भक्ति पर विश्वास हो वो दोनों हाथ ऊपर करके भगवान से निवेदन करेंगे, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मझधार क्या करे, मझधार क्या करे, तू ही बने सहारा, मझधार क्या करेगा, तू ही बने किनारा, उसको तेरा भरोसा, उसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा।